तो लास्ट वीडियो में गाइज आपने देखा कि हमने बिल्कुल जनरल क्वेश्चंस लिए थे जो भी आपके क्यू एन ए के लिए थे। अब हम पर्टिकुलरली स्टूडियो के क्वेश्चंस पे बात करेंगे। तो के मतलब स्टूडियो से रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सिर्फ वही होंगे। फर्स्ट, आपने कितनी मेहनत की स्टूडियो को बनाने में? हमारे पसीना एक कर दिया, मतलब लिटरली खून पसीना एक कर दिया। अब देखो किसी को लग सकता है कि भाई ये कमरा ही तो बनवाया है, उसमें इतना खून पसीना एक कर दिया वाली बात आप बोल रहे हो बहुत बड़ी लग रही है। तो देखो आप भी सही हो अपनी जगह, बट हम भी सही हैं क्योंकि हमने कभी ऐसी चीज़ नहीं की है और हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, दैट टू खुद से कर रहे हैं। और अपना एक होता है ना, एक ड्रीम हमारा पूरा हो रहा है कि हमारा यूट्यूब चैनल हो गया, एक हमारे पास स्पेस है बनाने का। तो उसमें हमने छोटी से छोटी चीज़ जो आपको दिख रही है कहीं एक पर्टिकुलर शॉप पे नहीं मिली थी, एक एक डिटेल पे ध्यान दिया गया है कि क्या सामान लगाना है क्या नहीं लगाना, और ये हर अलग अलग शॉप्स में मिली थी हमें, हर अलग मार्केट्स में मिली थी। तो हमने बहुत धक्के खाए हैं स्कूटी पे। आप अगर हमारे व्लॉग देखते हो तो आपको पता होगा कि हम कितनी मेहनत करी है, रेगुलरली डालते हैं हम रेगुलरली व्लॉग, तो आपको पता चल जाएगा हम किन किन मार्केट्स में गए थे, जो हमने सामान लगा रखा वो कहाँ कहाँ से लिया, चाहिए है चाहिए है चाहिए, हमने हर सामान का बताया है क्योंकि डेली व्लॉग बनते थे तो डेली दिखता था हम कौन से मार्केट जा रहे हैं और क्या खरीद रहे हैं। तो मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगी है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैया आज प्लीज़ मेरा क्वेश्चन ले लेना, पहले आपने नहीं लिया था, अब मेरा एक क्वेश्चन कि स्टूडियो का पैसा किसने दिया, आपने या आपके घर वालों ने? एंड सेकेंड क्वेश्चन कि मैंने आपको बहुत बार बोला है कि भैया दीदी के ऊपर प्रैंक करो, वो कब करोगे? तो प्रैंक वाला तो यार अभी देखो आपको पता है कि हमारा काम चल रहा था तो हम कर नहीं पा रहे थे, मतलब वीडियोस तो शूट ही नहीं कर पा रहे थे। बढ़िया, जो बोलते हैं ना कि दीदी के ऊपर प्रैंक कब करोगे, दीदी भी पढ़ लेती है कई बार कमेंट्स। हाँ, रिप्लाई भैया करते, दीदी भी पढ़ती है। ठीक है, अब बताओ किसने बनवाया स्टूडियो? स्टूडियो भाई एक्चुअली देखो, हमारे जो भी यूट्यूब से या फिर थोड़े बहुत प्रमोशंस वगैरह से जो पैसे आते थे सारा हम दोनों ने ही बनवाए, क्योंकि दोनों हम दोनों चैनल पे वीडियोस बनाते हैं, सारी चीज़ हम दोनों की है। तो जो स्टूडियो भी है वो हम दोनों ने ही बनवाया, हमने एक भी रुपया घर से नहीं लिया अपने, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि भाई आप सब कुछ अपने आप से करो, आप क्यों अपने प्रेशर पे भी, मतलब पेरेंट्स पे भी प्रेशर दे रहे हो कि भाई उनको भी एकदम से अब आपके लिए एकदम से नया कोई स्टूडियो बनाना है, क्योंकि जो जितना लोगों को ईजी लगता है कि नहीं बहुत ईजिली बन जाता है, क्या हो गया एक कमरा ही तो बनवाना, तो वो चीज़ नहीं है, बहुत पैसा लगता है। हमें भी यही लगता था कि भाई क्या हो गया एक कमरा अभी बन जाएगा अभी बन जाएगा। मैं आपको बताऊं, हम 1.5 लाख का बजट लेके चले थे, बट हमारा स्टूडियो कितने में तैयार हुआ जाके और हमारा बजट मिल गया वो हम आगे बताएंगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका स्टूडियो का काम कौन सी डेट को स्टार्ट हुआ था? एक सेकेंड मैं ब्लॉग में चेक कर लूँ। हाथ की हाथ आपको रिप्लाई मिल रहे हैं, देख रहे हो एफर्ट्स। ये रहा, हमारा स्टूडियो का काम स्टार्ट हुआ था भाई 29 जून की हमने वीडियो डाली है, तो 28 जून का ब्लॉग था वो, 28 जून 2023 को हमने स्टूडियो का काम स्टार्ट करा था। यहाँ पे सिर्फ ये छत थी, ये कोई दीवार नहीं थी, इतनी इतनी बाउंड्रीज बनी हुई थी और मिस्त्रियों ने उनको तोड़ना स्टार्ट कर दिया था। सिर्फ एक बाथरूम था और वो भी मतलब पुराने जैसे बाथरूम वगैरह होते हैं, क्योंकि छत पे लोग यूजुअली बनवाते नहीं है बढ़िया बाथरूम, तो वैसा ही था। अब हमने जो बनवाया वो आपने वीडियो में देखा, बाथरूम पूरा रेनोवेट हो गया, उसकी सीट चेंज होगी, टाइल्स चेंज होगी, फ्लोर चेंज हो गया, तो सब चेंज ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाय डियर भैया, हेलो हेलो, कांग्रेचुलेशन फॉर 2 मिलियन, थैंक यू सो मच। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप में से कौन बहुत झगड़ता है और स्टूडियो में जो सामान है वो कहाँ से लाए? वो झगड़ते तो देखो हम दोनों ही है, मेनली स्टूडियो के सामान के लिए क्वेश्चन दिया था, बताओ। स्टूडियो का सामान भाई हमने बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मंगवाया है, बहुत सारी हम जगह दुकानों में मतलब जा जा के धक्के खाए हैं कि यहाँ पे से ये लेके आना है, वहाँ से वो लेके आना है। मार्केट्स लिए, जैसे सरोजनी मार्केट हो गई एंड अपना तिलक नगर मार्केट हो गई, पैसिफिक मॉल के अलग अलग शॉप स्टोर्स हो गई, ऑनलाइन अमेजोन फ्लिपकार्ट हो गया, मिनीसो वगैरह, और यूकूसो जो जापान का है, हमने अलग अलग जगह से लिया है, तो कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं है। बट आप पूछो कि आपने पर्टिकुलर ये चीज कहाँ से लिया, तो वो हम आपको बता देंगे, वो हमने मेंशन कर रखा है वैसे भी व्लॉग में, बट अगर फिर भी पूछो, व्लॉग नहीं देखा हो किसी ने, तो वो भी हम बता देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय दियन भैया, हेलो, आपका स्टूडियो बहुत ही सुंदर है, ओह थैंक यू। माय क्वेश्चन इज, किसका आइडिया था स्टूडियो बनाने का, सबसे पहले किसने सोचा था स्टूडियो बनाने का? अच्छा देखो मैं आपको बताती हूँ स्टूडियो का बनाने का सिस्टम क्या था। अब देखो आप यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हो, ठीक है, पहले अपने घर पे बना रहे हो, फिर यहाँ पे आ गए हो, यहाँ पे किचन में बना रहे हो, फिर एक टाइम आया कि आपका चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो उसमें हर टाइप के लोग होते हैं, अगर वीडियोस आप दिखा रहे हो उनको वो भी पसंद है, बट एक टाइम आता है ना कि आपको वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज करनी चाहिए, क्वालिटी
वीडियो के अंदर आप क्या क्या चीज दिखा रहे हो, कंटेंट, वो सब पे ध्यान देना पड़ता है। पहले हम जो मन में आता था वो बना के डाल देते थे, लेकिन और अब सोच के करना पड़ता है क्योंकि हमें जज करने के लिए हमारे पास अब ऑडियंस भी है, तो उनको भी हमें सही चीज दिखानी पड़ती है। कुछ चीज पहले हमने ऐसी बना दी, बट अभी टेस्ट करके बनानी पड़ती है कि वो चीज सही है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए अब हमें को एक ना पर्सनल स्पेस टाइप का भी चाहिए, क्योंकि नीचे मम्मी पापा होते हैं, कोई बता दिया हमने आपको गेस्ट आ जाए या कुछ ऐसा आ जाए तो किचन में हम वीडियोस नहीं शूट कर पाते, तो मेनली हमें एक पर्सनल स्पेस चाहिए था। अब आइडिया किसका था ये बताओ? आइडिया एक्चुअली देखो दोनों का ही था। सारी चीज मतलब हम दोनों साथ में ही करते हैं सब कुछ, बहुत ज्यादा सोच समझ के आपस में बात करते रहते हैं बहुत ज्यादा। तो स्टार्टिंग में मेरे को हुआ था कि भाई स्टूडियो वगैरह का बनवाना है, फिर उसके बाद मना कर दिया काकू को, बिल्कुल क्लियर कट मना कर दिया। लड़ाई हो गई हमारी कि क्यों पैसे खर्च करने हैं, जब हमारा कुछ फिक्स होगा तब देखेंगे, अभी हमारी इनकम भी सेट नहीं है, क्योंकि उस टाइम आने ही स्टार्ट हुए थे हमारे, हम बहुत खुश हुए थे, हमें हमारी इनकम आई थी, वरना तब तक शॉर्ट्स फंड जो आता है ना वो आता था हमारा, तो हम बहुत खुश हुए थे। मैंने कहा अब ये पैसे खर्च हो जाएंगे, हमें चाहिए पैसे, ये है वो, मैं बहुत लड़ाई की। फिर उसके बाद मेरे को पता नहीं क्या एकदम से हुआ, मैंने कहा स्टूडियो तो बनाना ही बनाना है, मैंने कहा अपना पर्सनल स्पेस चाहिए हमें, ये करना है वो करना, वीडियो है, शूट करने के लिए भाई प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, जैसे अब आप देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है देखने में, हमें खुद को भी अच्छी लगती है हमारी वीडियो अब देखने में। कई लोग बोलते हैं कि अब वो वाली बात नहीं रही, वो वाली बात कैसे नहीं रही भाई, हर चीज में अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज होती है कि भाई आप लोगों को वहां की आदत है देखने की किचन की, बट ये है कि आप हमें भी मैनेज करना पड़ेगा, घर वाले भी मैनेज करते हैं, आप लोगों को भी हमारे साथ अडैप्ट करना पड़ेगा और हमें भी अडैप्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लग रहा है, इवन अच्छा लग रहा है, पहले से बेटर लग रहा है, और हम यहाँ पे भी वही चीजें करते हैं जो वहाँ पे करते थे, यहाँ पे बस हम थोड़ा फ्रीली कर पाते हैं अपना काम, इसलिए आपको लग रहा है ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई है ना देखने वाला नहीं है, हमारे खुद के फैमिली वाले भी देखते थे ना, तो हमें ऐसे लगता था अरे यार जो चिल्ला के बोलेंगे एक्टिंग करके बोलेंगे। कभी कोई फैमिली वाला आ जाता था ना वो हॉल में बैठा हुआ और हमें किचन में शूट करना है, तो हम बोल नहीं पाते थे अगर ऑन द स्पॉट हमें रिकॉर्ड करना है, तो अपना पर्सनल स्पेस चाहिए था। तो मैंने बताया ना, फिर मेरे को एकदम से माइंड में स्ट्राइक किया कि करना है करना है। तो अभी थोड़े टाइम पहले मार्च नहीं अप्रैल मई की बात है, मेरे एग्जाम्स ओवर हुए, जिस दिन मैं यहाँ पे आई थी ना उस दिन यहाँ पे रेनोवेशन का काम स्टार्ट हो गया था, क्योंकि दो तीन दिन से वाले फ्लोर पे हमारे स्टार्ट हो गया था नीचे फ्लोर पे। उसके बाद फिर वो काम बीच में था, पता नहीं क्या तो हुआ, पता नहीं क्या ही चांस था वो, क्या नहीं था, भगवान जी चाहते थे ऐसा, क्या था क्या नहीं था। मैंने रात को ही काकू को बोला, मैंने कहा नहीं यार हमारा भी होना चाहिए स्टूडियो, ये है वो, हमें भी पर्सनल स्पेस चाहिए कि वीडियोस बनानी, अच्छी क्वालिटी नहीं आ रही, क्योंकि शाम हो जाती थी तो लाइट नहीं आती थी, तो वीडियोस नहीं अच्छी बनती थी। वॉफल चैलेंज की हमारी इतनी वीडियोस ऐसी बनी थी बिना लाइट के, तो मेरे को बड़ा गुस्सा सा आ जाता था। मैंने रात को काकू को बोला, फिर अगले ही दिन काकू ने पापा को बोला शायद, है ना, अगले दिन मैंने पापा को बोला कि आप जाके मिस्त्री अंकल को बुला लाओ, जो भी रूम वगैरह का करवाना है और ईंटें वगैरह यहाँ पे उतरवा दो, मेरे को रूम बनवाना। भाई पता ही नहीं चला कि मतलब एक होता है ना कि चल मैंने बोल भी दिया, तो पहले भी तो बातें हुई थी, पर वो बात इतनी सीरियसली ली गई एकदम से उस मोमेंट पे कि वो मिस्त्री भी आ गया, अगले दिन मैं देख रही हूँ ईंटें भी आ गई, और मैं पता है ईंटें हमारे घर में उतर रही है, वो उतर रहा है क्या बोलते हैं बदरपुर वगैरह सीमेंट, और मैं काकू को बोल रही हूँ, मैंने कहा मैं सही में बनवाने लगी, मैंने मोटू को वीडियो कॉल पे दिखाया, मैंने कहा मोटू ये देखो क्या है, मोटू कह रहा है ये क्या है, तो मैंने उसको दिखाया, मैंने कहा देख घर के नीचे ईंटें स्टूडियो वगैरह बनाना, मैंने कहा मतलब मैंने बोला था इतना सीरियसली लिया गया, ईंटें आ गई होगी, मतलब इतनी शॉक्ड थी मैं इतनी ज्यादा, और फिर देख लो इतनी सीरियसली लेता हूं आपकी बातों को, थैंक यू। और फिर इतनी मतलब ये काम चलता गया कि भाई काम हो रहा है, और हम भी उस काम में ऐसे घुल मिल गए, इन्वॉल्व हो गए कि अब हम उसी स्टूडियो में बैठे हुए हैं, और अब हमें वो डिसीजन हमारा बहुत ज्यादा वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन लगते हैं मेरे को, मतलब ये हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन में से है, कि भाई हमने अपने आप की उस टाइम सुनी और ऐसा नहीं करा कि नहीं छोड़ना यार वीडियो, तो जैसे लाइफ में लेना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि बीच में हमें प्रॉब्लम नहीं आई थी, बीच में भी हमें प्रॉब्लम आई थी, और हम सोच रहे थे कि बाथरूम के टाइल्स ना चेंज कराएं, ऐसे ही रहने दे कि पुरानी वाली है, क्योंकि पैसे नहीं थे, हमने सोचा काफी चीजों के लिए कि ये वाली अभी ड्रॉप कर देते, ये काम बाद में करेंगे, छोड़ वो वाला काम ड्रॉप कर देते, उसके पैसे नहीं है, कि जो क्या बोलते से गेट जो हम गेट बाद में लगवा लेंगे क्योंकि उनके पैसे नहीं है, बट जैसे तैसे करके जैसा कि हमने आपको बताया कि भाई हम भी आपको पता ही है हम भी स्टूडेंट्स ही हैं और हम पे भी कोई इतने खास पैसे नहीं थे, और 4 लाख से भी हमने नहीं लिया, और 4,50,000 रुपए मतलब अपने आप से मेरे को सोच के लगता है कि बहुत बड़ी बात थी, हमने कैसे कर लिया 4,50,000 रुपए। भाई के ये सारे YouTube के थे, YouTube के नहीं, सारे पैसे YouTube के नहीं थे, 1.5 समथिंग होंगे, बट इससे फालतू नहीं थे, ये तो ये है कि हमारा
तीन चार महीने चला ही काम इसलिए कि आप बोल रहे थे वीडियोस क्यों नहीं ला रहे वीडियोस, क्योंकि हम पे पैसे नहीं थे आगे का काम कराने के, और हम सोच रहे थे कि नेक्स्ट मंथ आएगा हमारे यूट्यूब से इनकम आएगी तो फिर वो पैसे लगा के फिर हम आगे का काम करवाएंगे। तो ये थी स्ट्रगल थोड़ी स्टूडियो बनवाने के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कितना टाइम लगा स्टूडियो बनाने में, और आप वो तो कितना टाइम लगा हमें? ऑलमोस्ट 2-3 महीने लगे। दो महीने के आसपास, दो तीन दिन। और उसके अंदर मेन चीज क्या थी कि हमें खुद भाग भाग के सारे काम करने पड़ रहे थे कि सामान लेके आना, हम पूरे टाइम स्कूटी पे घूमते थे। अभी मत बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन वही आएगा। आप दोनों इतने क्यूट क्यों, वो तो आप बताओ। कितनी प्रॉब्लम हुई स्टूडियो बनाने में, ये भी हमने प्रॉब्लम आपको बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाय दियन भैया, कांग्रेचुलेशन फॉर द स्टूडियो, थैंक यू सो मच। फर्स्ट क्वेश्चन इज, स्टूडियो का आइडिया किसका था? दोनों का था। माय सेकंड क्वेश्चन इज, आपकी कितनी मेहनत लगी स्टूडियो बनाने में? जस्ट अभी हमने आपको बताया। थर्ड क्वेश्चन इज, आपके कितने चक्कर लगे मार्केट जाने में? बाय द वे, लव फ्रॉम दिल्ली। यार व्लॉग देखो, व्लॉग देखो, पता चलेगा। इतने पसीने में हुआ करते थे हम, आप घर वाले बोलते थे तुम्हारी हालत जो है वो मजदूरों जैसी होगी, काले काले लगते जा रहे हो। जिस दिन स्टूडियो का काम ओवर हुआ ना, हर कोई मजदूर यहाँ से चला गया कि अब भाई कोई आएगा ही नहीं, धूल मिट्टी का काम ही नहीं है। तब जाके एक बार हम फेशियल करवा के आए थे अपनी हालत सुधरवा के। और मार्केट के चक्कर बताओ, मार्केट के आप यूँ लगा लो बेहिसाब चक्कर लगे, हमने गिनने ही बंद कर दिए थे एक टाइम के बाद कि भाई कितनी बार हमें मार्केट में जाना पड़ रहा है, कितनी बार सामान खरीदने जाना पड़ रहा है। यूँ लगा लो हर थोड़ी देर में, जैसे मैं कुछ सामान लेके आ गया, अब हर थोड़ी देर में अरे ये तो रह गया, चलो भाई फिर भाग के जाता हूँ। और ऊपर से थर्ड फ्लोर से उतर के जाना, हमारा घर सेकंड थर्ड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर है स्टूडियो का, तो अब यूँ लगा लो कि थर्ड फ्लोर से बार बार उतर उतर के जाना, के तो मैं बहुत चक्कर लगाए स्टूडियो पे। मोटू और मैं स्कूटी पे बहुत सारा सामान पकड़ पकड़ के, भारी भारी सामान, जैसे कई बार टाइलों का एक पूरा पैकेट रह गया, कि मान लो एक पूरा वो कम पड़ गया टाइलों का, दो पीस या तीन पीस कम पड़ गया, अब उसके लिए पूरी गाड़ी वगैरह तो नहीं लेके जा सकते, या गाड़ी करवा भी नहीं सकते। वहाँ से 300-400 रुपए मांगती है, ऐसे कैसे 300-400 रुपए रिक्शा में लगाए एक टाइल के लिए, तो वो इतनी भारी थी। 300-400 कहाँ दुखी हो रहे हो, 500-600 रुपए मांग रहे थे सीधा सीधा रिक्शा वाले। तो फिर स्कूटी पे हमने कर लिया, स्कूटी पे लेकर काकू ने पीछे वो बहुत हैवी टाइल पकड़ी, चाहे हमारा सिंक हो चाहे टाइल हो, मतलब। और बर्तनों का सामान तो आप व्लॉग में देख ही सकते हो। उसके बाद जब सब बन गया तो उसमें डेकोरेशन का सामान, बर्तन वगैरह लाना, सारे काम ये, फिर ये भी हम स्कूटियों पे जा जा के लेके आते थे। अभी भी होता है कि थोड़ा बहुत सामान रह गया, चल अब लेके आ रहे स्टूडियो की वीडियो बनने के बाद भी। तो बहुत ज्यादा चक्कर लगे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, इसलिए मैंने आपको बोला कि खून पसीना एक हो गया। कई बार हम काम कर रहे होते थे, एकदम से मेरे हाथ में कट लग गया, चोट लग गई सामान उठाते हुए, बहुत कट नहीं सिर्फ हाथ पैरों में लग जाती थी, उठाते हुए सामान एकदम से गिर गए, कुछ हो गया, ये वो, तो बहुत सारी चीजें थी। एक बारी तो काकू आपको याद है, ऐसा वो हम गए थे मार्केट में सामान लेने के लिए, तो हमारा उसी टाइम प्लम्बर आ गया, उसने कॉल करके हमें ये नहीं बताया ये सामान ले आओ। हम घर पे आए और घर पे आती हमने बोला हाँ भैया क्या लाना, लिस्ट दे दी, कहती उसी मार्केट में जाके आप वही सामान लेके आना जिस मार्केट से हम आए। और वो 7-8 किलोमीटर तो धूप, और आप ये मानो अभी आजकल बारिश का मौसम हो रहा है, इतनी तेज धूप हुआ करती थी। अगर आपको स्ट्रगल देखनी है ना सच में, तो हमारे डेली ब्लॉग से ना वो देखना। और पता है क्या है, कुछ लोग है ना उन ब्लॉग्स को देख के भाई ये बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है इतना बड़ी क्या बात हो गई, लेकिन थे, बोरिंग होते हैं आपके ब्लॉग ऐसे होते क्योंकि वैसे हम रेगुलर जो हमारी लाइफ है, जो एक नॉर्मल इंसान की लाइफ होती है, वो हम दिखा रहे हैं। हमने ऐसा कुछ स्पेशल नहीं किया कि भाई इस चीज को हम बहुत कहानी बना के आप लोगों को बताएं कि देखो ऐसे हो गया वैसे हो गया। हमारे घर में अगर काम चल रहा है, मार्केट जा रहे हैं, वही दिखाएंगे ना, आप घर में काम चल रहा है, लेकिन ब्लॉगिंग में हमें दिखाना है तो हम कहीं ऐसा तो नहीं कहीं घूमने फिरने जा पाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं। और काम मेरे घर में सामान आ रहा है और चलो फिर घूमने फिरने चलते हैं, क्या जरूरत है सामान लेके आने की, ऐसा नहीं हो सकता। तो बात यह है कि आप देखोगे ना जब भी कि कितनी मेहनत लगी है बार बार जाने में, कई लोग उसको देख के इंस्पायर भी हो सकते हैं कि भाई आपको किस तरीके से अपना काम खुद करवाना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि भाई मेरे को भी एक स्टूडियो कल को रेडी करना है, अगर आप कोई यूट्यूबर बनना चाह रहे हो या फिर ऐसा कुछ, कई लोगों ने बोला स्टूडियो की क्या जरूरत है आपको, आप तो फूड ब्लॉगिंग करते हो, तो भाई ऐसा नहीं है, फूड ब्लॉगिंग ही नहीं करते। स्टार्टिंग की वीडियोज ही हम घर पे बनानी स्टार्ट की थी हमने, फूड रेसिपीज की। उसके बाद फिर हमें लगा कि शायद घर की वीडियोज देख के लोग बोर ना हो जाए, तो हमने वेरिएशन लाया, वेरिएशन के लिए सॉरी फॉर अ वेरिएशन हमने सोचा कि चलो बाहर की भी बनाते हैं, तो बाहर की बनाई, बट घर तो मेन था। अब कई लोग बोलते हैं स्टूडियो में किचन की क्या जरूरत है, मान लिया स्टूडियो में कोई टेक का चैनल है उसको बोलो किचन उसको की बोलो किचन की क्या हमारे तो फूड का है। यूजुअली टेक चैनल पे भी किचन होते हैं उन लोगों के लिए, ताकि अगर वो स्टूडियो का काम कर रहे हैं, वो स्टूडियो में काम कर रहे तो चाय कॉफी पानी भी तो बंदा पीता ही है, वो मशीन तो होती है, और हमारा तो फूड का ही चैनल है। और हमारा
एक ये लगाओ स्टूडियो भी है लेकिन हमारा थोड़ा पर्सनल स्पेस भी है और हमारा घर भी है, ये कोई बाहर नहीं है स्टूडियो। तो अगर यहाँ पे कोई बैठता है, हमारे घर वाले आते हैं कुछ, तो अगर हम वीडियो भी नहीं बना रहे तो चाय बना दी, मम्मी आई है, केशव आया, पापा आए, चाय बना दी, नूडल बना लिए, कुछ ऐसे कर लिया। तो ये नहीं है कि स्टूडियो हो गया तो प्रॉपर लाइट लगेगी, एक हमारा हमारा घर है और उसी में हमारा पर्सनल स्पेस मिल गया हमें वीडियो बनाने के लिए। ऊपर से हमारे चैनल पे तो कुकिंग का भी है, तो हम तो कुकिंग दिखाते हैं कि भाई ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, कुछ भी और खाने का कुछ बनाएंगे तो वो किचन में दिखाएंगे और कहाँ पे दिखाएंगे। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाय दियन भैया, माय नेम इज तमन्ना, हेलो तमन्ना, माय क्वेश्चन इज कि जब आपने स्टूडियो बनाने की बात की तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम राजस्थान। फैमिली का ये रिएक्शन था, वो थोड़ा लगा था उनको कि भाई के भाई नीचे भी काम चल रहा है, ऊपर भी तुम काम छिड़वा दोगे। यही था कि भाई घर वालों को भी थोड़ा सा लग रहा था कि कहाँ तो एक एक फ्लोर को दो बंदे देख रहे हैं, मेहनत करा रहे हैं साथ में, कहाँ पे फिर भाई दो बंदे बढ़ जाएंगे, क्योंकि मेरे को स्टूडियो का काम देखना पड़ेगा, पापा को नीचे का काम संभालना पड़ेगा। तो इस वजह से उनको भी थोड़ा लगा कि भाई एकदम से क्यों काम छिड़वा दिया, बट लास्ट में सब कुछ नॉर्मल हो गया, बैक टू नॉर्मल, कि भाई हमने अपना काम देख लिया, उन्होंने थोड़ा थोड़ा धीरे का नीचे का काम खत्म हो गया तो वो देख लिया। और स्ट्रगल वाली बात में हम ये बताना रह गया था कि जब स्टूडियो बन रहा था तो उस बीच में काकू के भी एग्जाम चल रहे थे, तो स्टूडियो का काम यहाँ हो रहा था और काकू अपने एग्जाम देने के लिए भी जा रहा था, वहाँ पे भी देखता था। हमेशा मैं काकू के साथ जाती थी, बट कई बार होता था कि काकू अकेला गया क्योंकि मुझे यहाँ पे भी काम देखना है, सामान आ रहा है, तो काकू अकेला गया और मेरे को इतना तो मैं मोटू को बोल के जाता था कि मैंने कहा आप यहाँ पे जो पैसे देके भी जाता था काकू के, भाई कुछ भी अगर आपको चाहिए हो, किसी को मजदूर को देने या कुछ भी है तो आप पैसे ये रख लो, ये दे देना। तो ये चीजें भी हुई है। एक काकू को यार पता नहीं बीच बीच में क्या होता है, हम अच्छा खासा Q&A कर रहे हैं, इसको लग रहा है कि ये फ्रेम अच्छा नहीं आ रहा तो एकदम से सारी चीजें हटा दी क्योंकि चिप्स खत्म हो गए। पानी के ग्लास रख लो बस, ये आपका, ये मेरा। तो हमारा क्वेश्चन था कि आपको अपना नया स्टूडियो देख के कैसी फीलिंग आ रही है? दिल गार्डन गार्डन हो गया, भवरा बगेन में खो गया, वो वाली फीलिंग आ रही है? बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कुछ हासिल किया लाइफ के अंदर बना के, बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने अपना स्टूडियो इतना छोटा क्यों बनवाया? ये क्वेश्चन आया था। तो एक तो भाई पैसे भी लगते हैं, जब एक रूम बनवाने में तुम्हें 4.5 लाख लग गया तो दूसरे रूम के लिए फिर ज्यादा लगेंगे, तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? दूसरे भी छोड़ो, अगर मान लो इस रूम को हमें लंबा भी खिंचवाना है, तो आपने कभी भी नोटिस किया होगा ना, तो यूजुअली स्टूडियो जो होते हैं वो छोटे ही होते हैं ताकि वॉइस जो है वो गूंजे ना स्टूडियो के अंदर। होल टाइप भी हो जाएगा ना पूरा का पूरा, इतने बड़े होल बनाओगे उसके अंदर तो आवाज गूंजनी है आपकी, सीधी सिंपल सी बात है। ऊपर से हमें एक छोटा सा क्यूट सा सिंपल सा स्टूडियो चाहिए था, जिसके अंदर जो हमारी रिक्वायरमेंट है हम उस हिसाब से बनाएंगे ना, हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारे बजट है। अब किसी का टेक का चैनल है, उसका एक स्टूडियो में इतने छोटे रूम में काम नहीं चल रहा, तो वो सिंपल सी बात है वो बड़ा बनवाएगा, अपने बजट को देख के बड़ा करवाना पड़ेगा उसे, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो इसमें फुलफिल हो रही है तो इसलिए। और हमें नहीं लगता है छोटा है, किचन है, बाथरूम है, इतना बड़ा स्पेस है, गद्दा आ जाता, टेबल आ जाती है, ऐसे कैसे छोटा है स्टूडियो? नहीं। वॉट नेम यू विल गिव टू, हाँ यार ये क्वेश्चन आया था, वॉट नेम यू विल कीप फॉर योर स्टूडियो? मतलब पेट का रख सकते हैं, इंसान का निकनेम रख सकते हैं, तो स्टूडियो का क्या नाम होगा? हमें, मैंने स्पेशली एक क्वेश्चन लिया कि मेरे को एक क्वेश्चन नहीं समझ आया, तो गाइज आप आंसर करना कि स्टूडियो का क्या नेम हो सकता है? है ना स्टूडियो का बड़ा अच्छा सा नाम, क्या? जो हमारी लाइट जलती है, निक्स किचन ना। तो मतलब वो तो चैनल का भी नेम है, बट ऐसे स्टूडियो का भी कोई अलग से नाम होता है पता नहीं था, अगर आप कुछ बेटर सजेस्ट कर सको तो बताना, बता देना। बाकी ये है कि मेरे को तो यही सबसे एप्रोप्रिएट नेम लगता है देख के कि भाई नेक्स्ट किचन, क्योंकि चैनल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका स्टूडियो में जब काम चल रहा था तब बाहर जाके तो शूट कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, और बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, कर सकते थे, क्यों नहीं किया? हमने किया भी था हमने शूट, बट जैसा कि काकू ने बताया कि हम अपना स्टूडियो बनवा रहे हैं, नीचे भी काम चल रहा है तो घर वाले नीचे देख रहे हैं, और अगर घर वाले फ्री होते तो भी वो हमारा जो हमें सामान लेके आना है चूज करके मार्केट में जाके वो नहीं कर सकते थे, हमें ही जाना पड़ेगा वो देखने के लिए। सारी चीज़ मतलब आप पेरेंट्स पे या फिर दूसरों पे नहीं छोड़ सकते सारे काम, कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको खुद को करवाने पड़ते हैं। जैसे अभी मैंने थोड़े टाइम पहले रणवीर अलाहाबादिया, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, उनकी वीडियोस देखी थी, तो उन्होंने जब अपना स्टूडियो बनाया उन्होंने बोला कि मेरी एक एक चीज़ जो है वो मैंने अपने अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशंस दिए हैं कि भाई इस तरीके से ये है, और मैं हर चीज़ में आपको स्टोरी सुना सकता हूँ इसके पीछे कि मैंने ये काम क्यों करवाया। तो वही रीज़न हमारा भी था कि हम चाहते थे कि एक जो भी स्पेस हम बनवा रहे हैं ना उसमें सब कुछ है ना हमारे अकॉर्डिंग हो, और सब कुछ हम जैसे चाहते हैं वैसे हो। तो इस वजह से अब अगर पूरा दिन किसी का मार्केट में लग रहा है तो वो कैसे वीडियो बना ले, और अगर बाहर वीडियो बना भी ली हमने, क्योंकि गूगल ऑफिस की
और YouTube इवेंट की, इन सब की हमारे पास वीडियो थी। स्टिल वो वीडियो हमने अभी अपलोड इसलिए की क्योंकि वीडियो होने के बाद उसका वॉइस ओवर कैसे करेंगे, घर में काम चल रहा है तो शोर होता था इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, थैंक यू। आपको स्टूडियो बनाने का सुझाव किसने दिया? किसी ने नहीं दिया, किसी ने सुझाव नहीं दिया, किसी को कोई आइडिया भी नहीं था हम सोच रहे हैं स्टूडियो वगैरह बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज द स्टूडियो बिल्ड एज योर एक्सपेक्टेशंस? फार बेटर, अबव आवर एक्सपेक्टेशंस, मतलब वो चीजें हुई हैं। सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ निखर के आएगा स्टूडियो के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका स्टूडियो आप दोनों में से किसके घर में है? प्लीज टेल मी, आई वॉन्ट टू नो, आई लव यू बोथ एंड योर वीडियोज। हमारे घर में है, हमारे घर में है। मतलब समझ रहे नहीं हो क्या बात? काको तो यार वीडियो खत्म हो रहा था, तेरे को बताऊंगा मैं, रुक जा। काको के घर में स्टूडियो जो है वो मेरे घर पे है, बट ये घर मोटू का भी है। कहाँ रखे थे वो प्रॉपर्टी के पेपर? नीचे ड्रॉअर में ही थे ना? हाँ वहीं रखे थे, अभी उठा लिया मैंने वहाँ से, पापा को वापस पकड़ा दिया। मैंने कहा एक लड़की आती है डेली, उनकी इन्हीं पे नजर रहती है। अच्छा, उन्हीं पे नजर रहती है। जोक्स अपार्ट, ये सब ऐसे मजाक कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई आई एम योर बिग फैन, थैंक यू सो मच, एंड आई वॉन्ट टू नो योर सिंक प्राइस। और यार इतने लोगों ने पूछा हमारा सिंक का प्राइस क्या है। आपकी सिंक बहुत अच्छी है, एंड योर न्यू किचन इज सुपर कूल। सिंक का प्राइस बता दो भाई। सिंक का प्राइस है भाई 20,000। वैसे ये सिंक आपको ऑनलाइन, मतलब हमने बहुत जगह पता करा था, 35,000-40,000 से कम कहीं भी नहीं मिलेगा। हम लेकिन जहाँ से लेके हैं वहाँ से हमें 20,000 रुपये में मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने पैसे लगे ओवरऑल इन स्टूडियो और कहाँ से आई ये पैसे? अब देखो कहाँ से आई ये पैसे तो आपको बता दिया हमने। अब सबका मेन क्वेश्चन यही था कि कितने पैसे लग गए स्टूडियो बनवाने में, बताओ। आप बिलीव नहीं करोगे क्योंकि एक रूम में इतने पैसे यूजुअली नहीं लगते, नहीं लगते। बट जो हमने इंटीरियर कराया है, जो हमने लाइट कराई है, डेकोरेशन कराई है, टाइल्स वगैरह सेलेक्ट किए हैं, जो गेट्स वगैरह लगवाए हैं, सब टोटल मिला के हमारा जो खर्चा हुआ है वो ऑलमोस्ट 4.5 लाख के आसपास हुआ, मतलब 4,50,000 रुपए के आसपास हमारे खर्च हो गए अब तक। मतलब इसमें हमने इंक्लूड कर लिया अपना गद्दा हो गया, डेकोरेशन हो गया, कर्टेंस हो गए, एसी हो गया, सजाने का सामान हो गया। कमरे के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। बट हमारा कुछ शोबाजी वाला होता है ना, कि शो दिखाने वाला आपका काम है, कि भाई आपको वीडियोस बनानी है उसमें, तो आपको कुछ करना ही इस तरीके से पड़ेगा। आप जितने भी लोगों के स्टूडियो देखोगे उसके अंदर ऐसा नहीं है कि वो उसी तरीके से अपने घर पे भी रहते हैं। स्टूडियो अलग होता है, घर अलग होता है, बट हमारा तो स्टूडियो में वो वाइब आनी चाहिए, स्टूडियो या ऑफिस वाली जहाँ पे भी आप अपना काम कर रहे हो, तो वाइब हमें यहाँ पे आती है जब हम काम करते हैं। तो फाइनली गाइस स्टूडियो के क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे, इस वीडियो को भी हम वाइंड अप करते हैं यहीं पे ही। वीडियो का सारा जो भी, मतलब स्टूडियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो यहीं खत्म होते हैं, और अब हमारे आने हैं हमारे